हे बड़ो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल। बाबू अबे ये तू लाए ने, प्लीज मुझसे शादी कर लो। हैं शादी? अरे अरे तुम लोग पगला गए हो क्या? तुम लोग लायन हो और मैं एक इंसान। अरे तो क्या हुआ बाबू, सोचो तुम्हारा दिमाग और हमारा पावर दोनों मिल जाए तो हमारे बच्चे को लायन और बंटी दोनों का पावर मिलेगी। हा? क्या छी, अबे तुम लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हो। अरे लड़की सामने से हट। अबे ये क्या कर दिया बाबू? अरे नहीं, मैं नहीं शादी करूंगा। मालिक, ओ मालिक। अरे मैं कहाँ हूँ, शेरनी कहाँ है? अरे मालिक तो पागल हो गए। ओबा चुप, मैं ठीक हूँ, लगता है मैं सपना देख रहा था। अरे किसका कॉल आ गया अब? हेलो बेटा। अरे मम्मी क्या हुआ? बेटा जल्दी से हमारे घर आ जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? ठीक है मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ मम्मी मैं आ गया, बोलो। अरे हमने तेरे लिए एक रिश्ता पक्का कर दिया। क्या? हाँ, और कल तेरा शादी होने वाला है। है? अरे मम्मी मैं अभी शादी नहीं करूंगा। क्या, तू नहीं करेगा तो तेरा बाप करेगा? अरे हाँ पापा को बोलो, वो भी कर लेंगे। क्या बोला? अरे नहीं मम्मी, अरे नहीं छोड़ दो, मैंने क्या गलत बोल दिया, अरे मेरा पीठ। अगले दिन, ये आज तो मालिक की शादी होगी। हाँ हमारा भाभी आएगी। अबे तुम लोग चुप हो। अरे क्या हो मालिक, क्या अभी शादी से खुश नहीं हो? अरे काहे का खुशी, अच्छा खासा सिंगल था, जब चाहे सोता था, जब चाहे हगता था। क्यों भाभी हगने नहीं देगी? अबे तेरी तो सॉरी सॉरी मालिक, सॉरी सॉरी। 12 घंटा बाद ये भाभी जी आ गई। अरे भाभी जी कैसे हो? मैं हूँ छोटू। अच्छा अच्छा। और मैं हूँ बोलू। ठीक है तुम लोग जाओ, अभी हमें सोना है। ओके भाभी। अरे क्या हो रहा है? अरे नहीं। अरे ये क्या, मालिक को तो भाभी पीट रही है। अरे नहीं रे पागल, अरे तू चीख क्यों रहा है? अरे तू नहीं समझेगा, पहले 18 साल का तो हो जा। अच्छा अच्छा। The next morning. मालिक, अरे कितना सो गए, चलो। अरे छोटू भैया मालिक और भाभी कहाँ है? अरे पता नहीं कहाँ चले गए। एक काम कर तू ऊपर जाकर देख तो। ठीक है भैया। भाभी, ओ भाभी लो, यहाँ भी नहीं है। अरे छोटू भैया दोनों ही घर में नहीं है। ठीक है एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग होकर ढूंढते हैं। ठीक है छोटू भैया। मालिक भाभी। अरे भैया क्या आपने मेरे मालिक को कहीं देखा? नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा। अच्छा ठीक है। अरे दीदी बंटी को कहीं देखा? नहीं ना छोटू। ठीक है दीदी। अरे यार कोई भी मालिक और भाभी को नहीं देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या पता भोलू को मिला है कि नहीं। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल। अरे क्या हुआ कुत्ता? वो हमारे मालिक और भाभी जी लापता है, जल्दी से रिपोर्ट लिख लो। ठीक है काम हो जाएगा। रात 12 बजे। अरे रात हो गई लेकिन मालिक और भाभी का तो कोई आता पता नहीं है। हाँ यार अब हमारा क्या होगा। अरे ये मैं कहाँ गया, मैं तो घर में था रहा। अरे कमला तुम भी हो, हम दोनों यहाँ पर कैसे आए? तुझे तो मैं लाई हूँ। क्या लेकिन कैसे? अपने काली शक्ति से। अबे तुझे काला जादू आती है? हाँ। अरे आखिर तू है कौन? मैं हूँ कमला। अरे वो तो मुझे भी पता है, और बता कुछ। इधर आ जा बताती हूँ। अरे नहीं नहीं इस जंगल में कोई देख लिया तो घर चलते फिर करते हैं। अबे हलकर बुद्धू उल्लू कपट्टे। ओबे तो तुम अपने पति को ऐसे गाली देके बात कर रहे हो? अबे ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये देख ओम सकलका चिकलका चामुंडा नमः गिली गिली छू। ओबे ओबे ये क्या, मैं हवा में कैसे उड़ गया? अरे नहीं नहीं अरे नहीं बचाओ। अरे आज बस इतना लेट क्यों आ रहे, रात को 1 बज गए, अब घर कैसे पहुँचूंगा? अरे ये कैसी आवाज है? अरे पूजा। अरे बंडी भैया आप, मैं तो डर गई थी। चलो अच्छा हुआ वो मुझे आप घर पहुंचा पाओगे। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे ये कैसा आवाज निकल रहे हो? अरे 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 नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, कुरपुरी नगर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ एक चौंकने वाला हादसा। बंटी ने किया एक मासूम लड़की की खून, पुलिस उसका तलाश अभी तक कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं। क्या, अरे मालिक ऐसे कैसे कर सकते हैं? बंटी टकला, हाय हाय बंटी टकला, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? लगता है सारे लोग हमारे बंटी भैया के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बंटी भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं। नहीं इस खून के पीछे जरूर कुछ और वजह है, एक काम करते हैं भाभी के घर जाते हैं, वहाँ जाके कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। हाँ छोटू भैया चलो चलो। क्या कमला 10 साल पहले मर चुकी है? हाँ। कैसे मरी थी? हमारे गांव में एक लड़की थी पायल, जिसके पीछे सारे लड़के दीवाने थे। आए हाय ए लड़की आती क्या खंडाला,
अरे बोल रहा हूँ ना, चुपचाप सुना। फिर उस गांव में आई मेरी दीदी कमला और सारे लड़के उसे छोड़ के मेरे दीदी के पीछे पड़ गए। ओए होए कमला, चल दे गया। अबे हलकत चलिए से। फिर क्या हुआ? फिर पायल को बहुत गुस्सा आया। मैं तो उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, जब से वो आई है सारे लड़के उसके पीछे भाग रहे हैं, मुझे तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। फिर उस लड़की ने कमला को जेसीबी से कुचल दी। क्या? अरे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा भैया, और एक सवाल, वो पायल कहाँ मिलेगी? अरे वो तो कल रात को टपक गई, सुना नहीं है क्या? किसी बंटी ने उसको मार दिया। अरे बंटी भैया ने इसलिए लड़की को मारा है क्या? यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं समझ गया, हमारा भाभी और कोई नहीं कमला है, और वो उस लड़की से बदला लेने के लिए हमारे मालिक से शादी की, फिर वो मालिक को अपने बस में करके पायल को मरवा दी। क्या? इसका मतलब मालिक एक भूतनी के बस में? हाँ बोलू। अरे छोटू, मालिक हमने कुछ नहीं किया। अरे क्या हो गया? अरे लगता है मालिक ठीक हो गया। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अरे मालिक आपको कुछ याद नहीं है क्या? आपके साथ 2 दिन में क्या हुआ? अरे नहीं तो, शायद मैंने ज्यादा ही नींद की गोली खा लिया था और पता ही नहीं चला जुरासिक पार्क के जंगल में कब सो गया। ऑटो माजी सड़क ले। वो भी क्या पुलिस? टकले, यू आर अंडर अरेस्ट। हैं? अरे मैंने क्या किया? अरे मालिक भागो, आपको बाद में समझाऊंगा। क्या? अरे तो जल्दी भाग।